तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है जिसमें कि हम जिम कॉर्बेट जंगल के उन गांवों में जाके रह रहे हैं, एकदम रिमोट एरियाज में जाके रह रहे हैं, उन जंगलों में ऐसे गाँवों में जाके रह रहे हैं जहाँ पर टाइगर की प्रेजेंस 101% है। चाहे वो आपके सामने आता है या नहीं आता, लेकिन अपनी आवाज़, अपना गुर्राहट, अपनी कहते हैं ना रोर, वो जरूर सुना देता है। चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, टाइगर आपके आसपास हमेशा है। तो फ्रेंड, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम रीठा गांव में हैं और रीठा गांव में टाइगर ऑलमोस्ट हर टाइम बैठा ही रहता है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बकरा और पिंजरा लेके आया था जो कि उन्होंने यहीं पर आसपास कहीं प्लेस किया था, क्योंकि उन्होंने एक बात बताई थी कि ये जो टाइगर है जिसने जलगांव में, ये जो पीछे की तरफ गांव दिख रहा है ना आपको, ये घर जो बने हुए हैं, ये घर अब इस टाइम खाली हैं क्योंकि यहाँ पे पिछले 6 महीने में टाइगर ने एक लेडी को किल कर दिया था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस टाइगर को उस टाइम पे भी पकड़ने की कोशिश करी थी 6 महीने पहले, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की माने और जैसा कि उन्होंने हमें बताया, हमें क्या बताया, सबको ही बताया, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी थी वो ये थी कि ये जो टाइगर है ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, इसकी एज पूरी है। तो जब से इसने ड्रोन उड़ते हुए देखे, पिंजरा लगा हुआ देखा, तब से ये यहाँ पे रीठा गांव में आता है रात को, दिन में यहाँ नहीं दिखता। अब वो दिन में पता नहीं कैसी कौन सी लोकेशन है, शायद वो इन्हीं घरों में बैठता हो जाके दिन में, क्योंकि दिन में वो किसी को दिख नहीं रहा, रात को फुल आवाज़ें करता है, कॉलिंग होती है। तो कल रात भी मैं अकेला रुका हुआ था, जैसा कि मेरे को आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरी टीम के मेंबर जो हैं उनके हाथ में इंजरी हो गई थी और यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो मैं अकेला ही रुका हुआ था रीठा गांव में। तो कल रात का कैसा मंजर था वो मैं इस वीडियो में अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा कंटेंट है ये आप लोगों को देखना अच्छा लगता होगा, आने वाली वीडियोस मोर एंड मोर थ्रिलिंग होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओरिजिनल कंटेंट है फ्रेंड्स, जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम दिखाते हैं, सब कुछ ओरिजिनल होता है। हम किसी भी चीज़ में कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, क्योंकि ये जगह ही ऐसी नहीं है कि इसमें मैनिपुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं ऊपर की तरफ, जैसे कि रीठा गांव में ट्रैकिंग है, तो मतलब रोड पे ऊपर मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, मैं नीचे रीठा गांव में रह रहा था, आज मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। तो चलिए ट्रैकिंग भी दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप रात को देखिए कि कल रात कैसा मंजर था, फिर आगे से बात करते हैं, आगे मिलके बात करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, रीठा गांव में रात की एम्बियंस मैं शायद ही कभी भूल जाने वाला हूँ। कल रात फोन की बैटरी ड्रेन्ड थी, इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, अदरवाइज कल भी ये कॉलिंग थोड़ा पास से हो रही थी। आज ऐसा लग रहा है कि टाइगर की जो मूवमेंट है वो थोड़ा दूर है यहाँ से, लेकिन फिर भी कॉलिंग सेम आज उसी टाइम पे हो रही है जिस टाइम पे कल हुई थी। ये जो अलार्म कॉल है रात को शायद आया होगा टाइगर गांव के पास, क्योंकि रात को भौंक रहे थे कुत्ते गांव के। अभी अराउंड 1 से 2 घंटे पहले तो अब भौंक रहे थे गांव के कुत्ते।
तब वो शायद यहाँ से क्रॉस हुआ होगा, और तब लगा भी था कि कोई चीज़ चल के जा रही है या कुछ, मतलब मूवमेंट लग रही थी पैर की, पत्तों के हिलने की, झाड़ियों के हिलने की मूवमेंट लग रही थी। तब कुत्ते बहुत भौंक रहे थे, तब भी आवाज़ दूर से ही आ रही थी, इतने पास से नहीं थी कि जैसे ये सामने झाड़ियाँ की, बिल्कुल यहीं से ही आ रही थी। दोस्तों जब से मैं अकेला सो रहा हूँ ना, रोज मेरा टेस्ट हो जाता है कि मैं कैसे बिहेव करूँगा जब यहाँ आवाजें आएंगी। तो जिस दिन बारिश ना हो, जैसे आज बारिश नहीं है, तभी ये आवाज आ पाती है, अदरवाइज बारिश के दिन तो सारी आवाज दब जाती है। ये दोस्तों आज आसपास के गांवों में जो इस रेंज के, मतलब इस एरिया के जो गांव है ना, सिर्फ रीठा गांव ऐसा है जो बचा है खाली होने से। अदरवाइज इसके आसपास के जितने भी गांव है ना, सारे खाली हो चुके हैं। नीचे की तरफ जितने गांव हैं, जिन भी गांवों में पैदल चल के जाना पड़ता है ना, वो ऑलमोस्ट सारे खाली हो चुके हैं। यहाँ के आसपास के जो गांव रोड पे हैं वो तो बचे हैं अभी खाली होने से, लेकिन जो गांव जहाँ जहाँ बिल्कुल पैदल चलना पड़ता है, जहाँ भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का रास्ता होगा पैदल का, वो सारे गांव खाली हो चुके हैं इसके आसपास, रीठा के अलावा। सिर्फ रीठा अकेला गांव है ऐसा। क्योंकि जिन गांवों में पैदल का रास्ता है, उन गांवों में ज़्यादा मूवमेंट है टाइगर की, मतलब आसपास उन गांवों के। भले ही अंदर ना आता हो, लेकिन इन गांवों के इस रास्ते पे बैठता है वो। तो दोस्तों खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए रीठा गांव में चलते चलते लग गए रास्ते, अब हम बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ धीरे धीरे। दोस्तों खड़ी चढ़ाई है एकदम, एक तो खड़ी चढ़ाई है फ्रेंड्स, दूसरा टाइगर की प्रेजेंस रात को तो इस रास्ते पे 100% रहती ही है, दिन में भी कभी भी दिख जाता है इस रास्ते पे, तो ज्यादा देर रुक भी नहीं सकते एकदम। सुनसान है मामला, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों काफी रास्ता कवर हो गया, ये गांव का गेट ऊपर दिख रहा है, यही रोड है, वहीं ऊपर ही पहाड़ी भूला ढाबा अपने किशोर भाई का, जहां अपनी गाड़ी खड़ी हुई है।
आधा रास्ता आधे से ज़्यादा तो हमने कवर कर ही लिया है। धीरे धीरे चलते हुए आप देख सकते हैं एकदम बियाबान जंगल जहाँ से रास्ता होके गुजरता है। एकदम जंगल से गुजरता है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं और चलते हैं धीरे धीरे ऊपर। एकदम सही वाली ट्रैकिंग हो जाती है फ्रेंड्स। फुल स्वेटिंग हो रखी है इस टाइम। अगर रोज़ ऐसी ट्रैकिंग कर लो तो स्टैमिना वैल्यूज़ इतनी हाई हो जानी है बहुत ज़्यादा। और गांव के लोग तो सिलेंडर ले लेके चढ़ते हैं इन रास्तों पे। हिम्मत है भाई। चलो हम भी बढ़ते हैं धीरे धीरे। दोस्तों पूरे वन वीक बाद हाँ हम आ पहुँचे हैं ऊपर रीठा गांव के ऊपर मेन रोड पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों खड़ी चढ़ाई थी, खड़ी चढ़ाई। अब जाके प्लेन रास्ता है। फिर आएंगे हम रीठा गांव। दोस्तों जिस गांव का चुनाव हमने इस बार किया है ना जाने के लिए अगले गांव का, वो गांव नहीं है, तहलका है, तहलका। उस गांव का नाम मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों को रिवील करूंगा। बहुत ही अलग तरह की जगह है वो। दोस्तों ये है पहाड़ी बोला ढाबा अपने किशोर भाई का, और ये खड़ी हमारी शेरनी। कुछ सब्सक्राइबर बोल रहे थे ना कि गाड़ी कहाँ खड़ी करके आया हूँ मैं, तो ये खड़ी हमारी शेरनी, देख लो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये जो कंटेंट है ये आप लोगों को देखना अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस मोर एंड मोर थ्रिलिंग होने वाली हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं खड़ी ट्रैकिंग के बाद। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।